मुंगेली जिले के लोरमी में एक बार फिर से महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत टारगेट पूरा करके कई शादीशुदा महिला पुरुषों की दोबारा शादी करा दी। कई महिलाएं तो गर्भवती थीं, उसकी भी दोबारा शादी कराई गई। मामले का खुलासा होने के बाद जिम्मेदार अधिकारी दस्तावेज होने का दावा कर रहे हैं। कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, साथ ही कार्रवाई करने की बात भी कही है। हाँ सर, भगेला वाले हैं, शादी नहीं हुआ था तो सरकारी हो रहा है तो किसी इंसान वाले से। क्या नाम है? निरंजन। आपकी पत्नी क्या नाम है? राम चौधरी। कौन गाँव से? मेरा शादी तो हो चुका था, पहले कोर्ट मैरिज किया था। और जो हम लोग मानते हैं, हिंदू धर्म में मानते हैं हम लोग कि एक पंडित के साथ में रहते हैं, पंडित भी रहता है घर में, जो पूजा सब चीज़ होता है, उस हिसाब से नहीं हो पाया था। इसलिए हम लोग यहाँ पंडित जी भी थे, यहाँ पूरा समाज के पूरा लोग थे, बड़े बड़े नेता भी आए थे और वहाँ पूरा शादी संपन्न हुआ। इसको मैं कुछ विशेष से कुछ कानून अब कुछ बोलना नहीं चाहते इसमें, लेकिन एक प्रकार से बहुत अच्छा है, जो आदमी अपने घर में नहीं कर पाता और यहाँ के पंडित जी समाज के मुख्य मुख्य द्वारा शादी को संपन्न कराते, बहुत अच्छी। गर्भवती शिशुवती माताओं के संदर्भ में कोई बात मेरे सामने इसलिए नहीं आ पाई है क्योंकि मैंने आते से ही यहाँ शपथ पत्र के अनुसार जो लीगली है और जिसने शपथ पत्र लिया है केवल उन्हीं को मैंने पंडाल में बैठने दिया है, और जितने उसके योग्य नहीं थे, कानूनन गलत थे, उन सारे को मैंने पंडाल से बाहर कर दिया। और अब आप देखिए।